हाय फ्रेंड, आज आपको दिखाएंगे दो पार्ट का सिलिकॉन का डाई कैसे बनाते हैं। हम बेसिकली मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट सिलिकॉन का डाई नहीं मारते, तो ये ऑलरेडी सूख गया है तो इसके ऊपर हम डाई मार सकते हैं सिलिकॉन का। मेरे पास बहुत सारा टाइप के सिलिकॉन है, जैसे ये हम निकाल लेके आए हैं, पास से लाता है, और ये भी सिलिकॉन का डब्बा है। अलग अलग टाइप का सिलिकॉन डब्बा आता है, एक एक क्वालिटी के एक एक रेंज में आता है, सस्ता क्वालिटी, मीडियम, हाई रेंज क्वालिटी। अभी जो बना रहा हूँ मीडियम क्वालिटी का सिलिकॉन से बना रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा कास्टिंग नहीं होगा, 10 पीस का रिक्वायरमेंट है। तो कैसे का डाई का फुल प्रोसेस वीडियो में बने रहे और देखते रहिए। ये सिलिकॉन में फुल रेशियो आपको दिया हुआ है, जैसे 100 ग्राम में 3 ग्राम आपका हार्डनर जाएगा, साथ में हार्डनर भी है। तो किसी को अगर ये सिलिकॉन चाहिए तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी इसमें हम आधा आधा पार्टीशन दे रहा है, जो पहले मिट्टी में प्लांट्स बनाया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी में ही देना होता है, तो इसमें कहना सस्ता पड़ जाता है, मिट्टी में दोबारा काम में आ जाता है। और मेरा बंगाल में मिट्टी बहुत अच्छा होता है, जैसे 3 पत्ती आता है उसमें भी कर सकते हैं, तो हम मिट्टी से करते हैं ज़्यादातर। ये देखिए, हमने पहले बैक साइड लिया है क्योंकि फ्रंट साइड लास्ट में करेंगे, और अभी इसरे पे मिट्टी का जो बेर है ये चारों साइड में लग गया है। तो फिर भी देखिए, अंदर का जो डिटेलिंग है अभी तक फिनिश नहीं हुआ, अगर ऐसे मारेंगे तो डाई ख़राब हो जाएगा, तो ये ऐसे फिनिश करना होगा, और ये सब फ्लेंस एकदम प्लेन होगा, फिर जाके हम डाई मार सकते हैं। ये किले का कोई भी मॉडल हो या ये इस टाइप के प्लांट्स हो, जो हम बैठने के बाद इस टाइप का चेरी लेना है जो बेम्बू से बना होता है या लकड़ी से। अभी ये फिनिश नहीं है थोड़ा, भाई इसको ज़रा फिनिश कर लो भाई, ये मेरा फ्रेंड है, और ऐसा ऐसा फिनिश करना होता है ये। तो वीडियो बने रहे और फिनिशिंग कैसे होता है वो भी देखते रहिए। दो अलग अलग पार्ट में होगा, तो इसमें क्या होगा, ये जो सेट कर रहा है अभी, तो ये लॉक हो जाएगा दोनों आपस में, इसलिए ये देना ज़रूरी होता है, नहीं तो इधर उधर हो सकता है डाई का, और जॉइंट में जो गैपिंग है वो अलग हो जाएगा, तो ये देना ज़रूरी होता है ऐसा लॉक। 4-5 टा लगाएंगे तो हो जाता है। अभी ये पूरा सिलिकॉन मारने के लिए रेडी है, देखिए दोनों अलग से सेपरेट हो गया, दोनों आधा आधा हो गया, और ये फ्लांस पूरा फिनिश हो गया अंदर से लेकर, और लॉक भी हो गया। तो अभी ये पूरा सिलिकॉन मारने के लिए रेडी हो गया, और अभी सिर्फ इसमें ऊपर थोड़ा स्प्रे मारेंगे ये पॉलिश के लिए। ये इसलिए मार रहा हूँ जैसे सिलिकॉन इसके अंदर ना चिपक जाए, थोड़ा सा मारने से काफ़ी है। सिलिकॉन आपको कोई भी जो मटेरियल का दुकान में मिल जाता है, नहीं तो ऑनलाइन में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, तो ये आप मंगा सकते हैं।
ये होगा इसके साथ हार्डनर जो छोटा डब्बा में आता है, और ये बड़ा डब्बा में सिलिकॉन। अभी दोनों का मिक्स रेशियो दिखाएंगे। अभी हम तो जैसे अंदाज में करते हैं, और जो बिगिनर है वो मेजर लेके अलग से मेजरमेंट करके मार सकते हैं। जैसे 100 ग्राम में 3 ग्राम आपका हार्डनर आ जाएगा, तो हम तो अंदाज में मार देंगे क्योंकि हम इतने साल से काम कर रहे हैं। तो वो अपना अपना हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। रबड़ डल रहे भाई, ये हम अंदाज में कर दिया जी, इतना रबर में इतना सिलिकॉन का हार्डनर चाहिए। तो अभी हम हार्डनर मिक्स कर दिया। अभी और एक दिक्कत है, जैसे ये सिलिकॉन हम किसी बॉडी के ऊपर मारे मॉडल के ऊपर, तो नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे आ जाता है। तो इसके लिए हम और एक लिक्विड मारेंगे। हमने हार्डनर मिक्स किया है, और अभी इसके साथ और एक लिक्विड आता है, जो इसमें क्या होगा, सिलिकॉन गिरेगा नहीं नीचे, अलग से लिक्विड आता है। हम इसलिए मोटा किया है जैसे वो लिक्विड डाल के रबर, क्योंकि इसके ऊपर उतना टेक्सचर नहीं है, जैसे डिजाइन नहीं है ज़्यादा जो डिटेल में अंदर जाएगा, क्योंकि ये डिजाइन है ही रफ मोल्ड। ये जो मॉडल बना है ये रफ में बना है। देखिए क्लियर पूरा कंप्लीट हो गया, एकदम अच्छे से हर जगह लग गया है। अब ये थोड़ा सूखने का बाद दूसरा लेयर, फिर तीसरे लेयर मार के पेंडेट देंगे। ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे इसलिए, क्योंकि ये ज़्यादा कास्टिंग नहीं होगा, 10 पीस का है। ये सेकेंड लेयर हो रहा है। ये बैंडेड है, ये स्पेशली रबर डाई के लिए बैंडेड आता है। तो ऐसे बैंडेड हम एक लेयर चढ़ाएंगे, एक लेयर चढ़ाने से हो जाता है, और ये सूखने के बाद इसके ऊपर दूसरा और एक लेयर रबर मारेंगे, तो 3 लेयर में डाई कंप्लीट है। ये देखिए अभी ये पूरा बैंडेड कंप्लीट हो गया। फर्स्ट लेयर एक लेयर मारे, फिर हमने दूसरा लेयर, फिर इसके ऊपर अभी बैंडेड पूरा चढ़ा दिया है, पूरा कंप्लीट बैंडेड मारना। फिर जब थोड़ा सूख जाएगा इसके ऊपर और एक लेयर मारेंगे। तो 3 लेयर में बेसिकली डाई हम बेसिकली 5-6 लेयर मारते हैं एक डाई के लिए, जो अच्छा क्वालिटी डाई बनते हैं। तभी ये डाई से थोड़ा कास्टिंग करना है, ज़्यादा नहीं है, और नॉर्मल रबर से हम कर रहे हैं, तो प्रोसेस सेम है, चाहे अच्छा क्वालिटी में करें या नॉर्मल क्वालिटी में, प्रोसेस सेम है डाई का। तो इसमें सिर्फ हम पतला कर रहे हैं डाई, और उसमें क्या ना थोड़ा 2 लेयर ज़्यादा चढ़ाएंगे, बस यही फर्क है, बाकी डाई जैसा वैसा ही है प्रोसेसिंग। ये सूखने के बाद इसके ऊपर और एक लेयर चढ़ाएंगे। ये लास्ट लेयर चल रहा है, ये देखिए पूरा मैट मारने के बाद ये थोड़ा टाइट हो गया, ये ऊपर से ये लास्ट लेयर। तो 3 लेयर में बेसिकली डाई हो गया। ये ब्रश से अच्छे से हर जगह लगाना है। ब्रश से ऐसे हर जगह लगा देना है, और जैसे अभी पूरा रबर सूख गया है, और अभी ये जहाँ जहाँ मिट्टी भर रहा है, इसलिए क्योंकि जहाँ जहाँ डीप ज़्यादा है वहाँ पे मिट्टी देना होता है, क्योंकि ऊपर में जब हम फाइबर का कवर चढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, जो अंदर में लॉक हो सकता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा मिट्टी देंगे और आसानी से ऊपर का कवर निकल आएगा। ये रेजिन है, और इसके साथ हम कोबाल्ट मिला रहा है। ये मिलाने के बाद इसके अंदर पाउडर देना होता है जो फ्रेम चौक। अभी साथ में हार्डनर आ रहा है, ये रेशियो होता है, तो उसके हिसाब से देना पड़ता है। जैसे काम अगर फास्ट करना होता है तो हार्डनर थोड़ा ज़्यादा मिलाना होता है। और ये रबर के ऊपर कोई पॉलिश वगैरह कुछ भी ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चीज़ चिपकता नहीं है। ये देने के बाद इसके ऊपर जो फाइबर ग्लास आता है वो देना पड़ता है मैट। ये
फाइबर ग्लास है इसका, जो ये फाइबर ग्लास और रबर में जो चढ़ा है दोनों अलग है, एक नहीं है, ये अलग है और वो अलग है। ये देखिए पीछे वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, रबर का, रबर से लेकर फाइबर का कवर तक, कवर भी कंप्लीट है फाइबर का, अभी सूखने के बाद पूरा कंप्लीट है। और बाकी सामने का प्रोसेस सेम टू सेम, जैसे पीछे मारा ऐसे सामने भी ऐसा होगा। ये कंप्लीट करके पूरा डाई आसान है, इतना टफ नहीं है, फिर भी यूट्यूब में हर चीज़ तो सीख पाना मुश्किल होता है कभी कभार। जैसे हमने पीछे का पार्ट मारे और सामने भी ऐसा सेम है, तो इसलिए हम थोड़ा वीडियो फास्ट करके दे रहे हैं, नहीं तो वीडियो ऐसे भी लंबे हो रहा है। वही सेम प्रोसेस है, रबर देना है बैंडेड, फिर ऊपर का कवर, तो वीडियो देखते रहिए। और किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूँगा पूरी तरीके से आप लोगों को हेल्प करने के लिए। अभी ये डाई पूरा कंप्लीट हो चुका है और प्लांट्स के ऊपर ड्रिल से होल करेंगे नट बोल्ट लगाने के लिए। हमने ये सामने तीन पट में किया है कवर, क्योंकि सामने अगर एक पट में किया होता तो लॉक हो सकता था, इसलिए सामने का दोनों दो पट में किया है और पीछे एक पट, तीन पट में। इसमें क्या है ना, डाई आसानी से रिलीज कर पाएंगे कटिंग का टाइम में। और ये देखिए रबर कितना आसानी से खुल जा रहा है। अगर यही मिट्टी नरम होता, ये मिट्टी का मॉडल अभी जैसे हार्ड होने के बाद ही हमने डाई मारा है, हमने पहले भी बता चुका है, गीला मिट्टी में हम लोग डाई नहीं मारते सिलिकॉन का, तो मिट्टी ये सूख गया है तो इसके ऊपर हम सिलिकॉन मार डाला, इसलिए क्योंकि ये हार्ड है। और देखिए कोई भी खराबी निशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसा मॉडल है वैसा ही रहता है और सिलिकॉन का डाई भी बन जाता है। तो ये सिलिकॉन का डाई में खासियत यही है कि जो डिजाइन डिटेलिंग है वो अच्छा आता है फाइबर का डाई से, जो पर उसका डाई आता है। ये देखिए डाई, ऊपर का रबर पूरा आ गया है, लेकिन देखिए मॉडल देखिए जैसा ऐसा ही है। तो जब हम फाइबर में कास्टिंग करेंगे वो भी ऐसे आएगा डिटेलिंग, सिलिकॉन का डाई यही खासियत है। और अभी ये पूरा डाई कास्टिंग के लिए पूरा रेडी है, तो कास्टिंग के लिए और एक वीडियो बनाएंगे, वो भी ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। और किसी को डाई चाहिए या कुछ बनाना है तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा।